रस के रस फूल निकल जाएंगे, चाबी कहाँ जाएगी? इसका जवाब नहीं मेरा बचा सकता। कैप्टन अजय यादव ने सच्चाई कही, बहुत से आदमी सच नहीं बोल पा रहे, बहुत आदमियों का दम घुट रहा है, सांसें रुक रही उनकी, समय आने पर ये सब अपना अपना हिसाब करेंगे, मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन दम बहुतों का घुट रहा है, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे। और मैं ये कह सकता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा वो तो एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई, आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, अपनी तरफ से कोई कर लो, क्या पता कल को दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर ना लड़ पाए, पार्टी ना लड़ा पाए। विपक्ष का काम है आलोचना करना, खिलाफत करना। ईडी ने जहां भी छापा मारा उनके पास सबूत बाकायदा पाए गए हैं, और ये विपक्षी दल तो कोई ना कोई किसी न किसी बात का प्रचार जरूर करेंगे। तीन नेता भी सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रचार के लिए निकले हुए हैं जी, आप कैसे सामना करेंगे या कर रहे हैं? हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के मैदान में रहती है, 300 निकलेंगे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और तीन का कांग्रेस में तो बहुत से नुमाइंदे जो अलग अलग घूम रहे, शायद आपको तीन दिख रहे होंगे, मुझे तो बहुत दिखते हैं, वो फैसला जनता ने करना है। विपक्ष एक अकेली कांग्रेस नहीं है, और भी पार्टियां विपक्ष में, वो भी अपना अपना प्रचार करती है, प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है अपना प्रचार प्रसार करने। राव साहब, कैप्टन अजय यादव है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा है, लेकिन मैं वफादारी सोनिया जी के साथ वफादारी के चलते पार्टी में हूं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कैप्टन अजय यादव ने सच्चाई कही, बहुत से आदमी सच नहीं बोल पा रहे, बहुत आदमियों का दम घुट रहा है, सांसें रुक रही उनकी, समय आने पर ये सब अपना अपना हिसाब करेंगे, मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन दम बहुतों का घुट रहा है, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे। तो गठबंधन पर कोई किसी फार्मूले पर विचार चल रहा है या अभी कुछ बोलना नहीं चाहती बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जेजेपी के साथ है, आज के दिन राष्ट्रीय नेतृत्व आगे जो फैसला करेगा उस हिसाब से पार्टी चलेगी। राव साहब, आपके पास रोहतक भी है और रोहतक में कांग्रेस ज्यादा जोर लगाएगी, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने तो दीपेंद्र हुड्डा को उतारने की बात भी कह दिया इनडायरेक्ट वे में, तो लगता है वहां के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि पिछली बार अरविंद शर्मा वहां से थे, मुकाबला तब भी टफ था। पिछली बार भी हम लोकसभा की सीट जीते थे और अब की बार भी 10-10 कमल खिलाने की मैंने बात की, अब की बार भी जीतेंगे। हम तो कमल के फूल के निशान पर वोट मांगते, कमल का कैंडिडेट हमारा प्रत्याशी कोई भी आए। और मैं ये कह सकता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा वो तो एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई, आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, अपनी तरफ से कोई कर लो, क्या पता कल को दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के मेंबर ना लड़ पाए, पार्टी ना लड़ा पाए, उनको चुनाव प्रस्ताव रखे। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती, हमारी पार्टी कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ती है और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। आप 80 सीटें लड़ेंगे तो भाजपा जनता का गठबंधन रहेगा? हाँ, भाजपा जनता का गठबंधन मेरे हिसाब से रहेगा और भारतीय जनता पार्टी 10-10 कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेंगे। नहीं, एक तरह से यही है कि आप 10 कमल के फूल जीतोगे तो जनता को एक बिना घोषणा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो ने ऐसा ही कहा कि 10-10 कमल के निशान लड़ेंगे, तो मैं तो इसी बात से कह सकता हूँ जनता कमल भी लेंगे, लड़ हो सकता है 10-10 फूल निकल जाएंगे, चाबी कहाँ जाएगी? इसका जवाब नहीं है मेरा बचा सकता, फूलों में कभी चाबी लग जाए, चाबी भी आप अपनी जेब में रखोगे, फूलों में कभी चाबी। हम तो 10-10 कमल का फूल पर लड़ने जा रहे हैं और 10-10 जीतेंगे। अभी 10 दिन पहले दुष्यंत जी ने भी यहाँ पे यही बात कही कि हम भी 10-10 सीटों पे तैयार हैं। यहाँ तो कोई, मैंने कहा प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार चुनाव लड़ने का, हर पार्टी का अधिकार है, वो जैसे राष्ट्रीय नेता की चर्चाएं चल रही हैं कि राज्यसभा की सीट शायद भाजपा को दी जाए और 10-10 सीटों पर भाजपा लड़े। मेरे नॉलेज में ऐसी बात नहीं, वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा क्या होगा। जी, भाजपा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, कैंडिडेट की अपनी है, वो लोकसभा का भी लड़ सकते हैं, विधानसभा के लड़ सकते हैं। ये यूं कह रहे हैं कि हम विधानसभा का लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनकी लोकसभा में कमजोरी है कि वो नहीं चाहते कि हमें हार का सामना करना पड़े। आज देश का माहौल नरेंद्र मोदी के तरफ हो रहा है, लोग भाजपा को जिताना चाह रहे हैं, इसलिए अपनी हार से बचने के लिए सब विधानसभा में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राव साहब, कर्मचारी वर्ग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, पटवारी पिछले इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, इसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर नहीं सुलझाया गया जल्दी तो दिक्कतें बढ़ सकती है। मैंने बहुत से चुनाव लड़े हैं, जब भी चुनाव आते हैं सभी सरकारी संगठन इस प्रकार के आंदोलन करते हैं और जो भी राजनीतिक दल होता अपने हिसाब से उनका समझौता करता, किसी का 2 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का महीने में, सरकार उसका फैसला करती है। लेकिन जनता को तो भुगतना पड़ रहा है ना सर, इतना लंबा चल रहा है। हमें मान लिया कई आंदोलन ऐसे होते हैं, कुछ दूसरों के द्वारा उकसाए जाते हैं,
वो जल्दी से मानते नहीं है, लेकिन समय अनुसार सबका समाधान कर लिया जाएगा। आपका मतलब कर्मचारी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं आपको? सभी करते हैं, अकेले कर्मचारी नहीं, और भी जो आदमी होते हैं और भी समुदाय होते हैं, सब अपने तरफ संगठन करते हैं कि हम, हमारे पास इतनी वोट है, हम वोट के मालिक है, तो सब अपना अपना हिसाब से बात करते हैं। बस ये कह रहा है कि 3 PP से परेशान है जनता। नहीं, जब कोई भी नया बदलाव देश में आता है या प्रदेश में आता है तो उसकी थोड़ी सी कठिनाई आती है। ये PPP मॉडल इतना शानदार होगा लोगों के लिए, आम आदमी कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि दुनिया में जब भी कोई बदलाव हुआ तो उसमें कठिनाइयां जरूर आई। इस PPP मॉडल पे भी कठिनाइयां आई हैं और इसको दुरुस्त भी बहुत हद तक किया गया, और थोड़ी बहुत कठिनाइयां यदि रहेगी तो उनको भी हम जल्दी दूर कर। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ED और CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है अपने फेवर में, बीजेपी प्रयोग कर रही है उसको, क्या? विपक्ष का काम है आलोचना करना, खिलाफत करना। ईडी ने जहां भी छापा मारा उनके पास सबूत बाकायदा पाए गए हैं, और ये विपक्षी दल तो कोई ना कोई किसी न किसी बात का प्रचार जरूर करेंगे। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पर आती, पीछे एक विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम आदमी का प्रत्याशी लड़ता, उसमें उनका दर्पण सामने आ गया, तो इनकी क्या है?